بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ਨਾਤਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਯਾਰੋ ਸਾਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਜੱਲ ਸ਼ਾਨ ਹੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਔਰ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕ ਨਹੁਸਤ ਵਾਲੇ ਅਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੁਸਤ ਵਾਲੇ ਅਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਆਮਲੀਨ ਅਦਰਾਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ
मेरे मोहतरम भाइयो जिस तरह अच्छी शफा पाण वास्ते अच्छी अच्छा खाना अच्छा दवाई का होना जरूरी है, इस तरह बरकत हासिल करने वास्ते अच्छे अमाल जरूरी ने, जिन्हां दी वजह तो अल्लाह बंदे नूं माला माल करदा। मैं इंशाअल्लाह सारे नाल पहला बरकत दे मानी मफहूम वाज़े तौर ते तुहाडे सामने और फिर बरकत दी अहमियत और फिर अल्लाह दी तौफीक नाल तुसां हजरात दे सामने वह अमाल बयान करांगा जिन्हां अमाल नूं अपनाण नाल अल्लाह ताला खैर और बरकत दे तमाम खजाने खोल दिंदा है। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक सानू सारिआं नूं अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। बरकत दा माना हकीकी है किसे चीज दा किसे शय दा टिक जाना, ये हकीकी मान है। नशमो नमा पाना और फिर बरकत दे मफहूम तीन तरह के ने, तीन चीजा अंदर शामिल ने। पहले नंबर ते कसरत खैर, वह नेमत जी बहुत ज्यादा नफे वाली है, उनके अंदर फायदे ही फायदे ने, खैर ही खैर है, यह भी एक बरकत का मन है। ये भी तीन चीजा, पहली ये हो गई, दूसरी ये वे जड़ी नेमत बढ़ती चली जाए दिन रात दिन ब दिन बढ़ती जाए लंबा अरसा, और जनाब नेमत दिन ब दिन बढ़ना फलना फूलना ज्यादा होना, यह भी बरकत है। और तीसरे नंबर ते दुआम नेमत दा हमेशा रहना, लंबा अरसा बंदे दे नाल ओ रवे ओ नेमत जिंदगी दे अंदर उस नेमत ते जवाल ना आवे, ए भी बरकत है। बहुत बड़ी मिसाल दे तौर ते औलाद बरकत है, औलाद बायसे बरकत है, नेक ते बरकत है बंदे वास्ते। मेरे मोहतरम भाइयो और ताबेदार उदा होना ते औलाद दा ताबेदार रहना ते उदी फरमा बरदारी अंदर मापियां दी दिन ब दिन उदी फरमा बरदारी अंदर इजाफा हो जाना, औलाद दा मापियां वास्ते अखां दी ठंडक बन जाना, ये भी अल्लाह वालों बरकत है। दुआ है कि अल्लाह पाक साडे मुसलमानां दे दरमियान भी ये चीजा और औलाद की तरबीयत कुरान और सुन्नत नाल करन दी तौफीक दवे ते फिर ही बंदा उम्मीद कर सकता है ना। बरकत की अहमियत, सारा दीन इस्लाम ही मुबारक है, इस्लाम सारे का सारा मुबारक है, और आप तुसी हैरान हो गए इस्लाम के अंदर बरकत की इस कदर अहमियत है कि शायद ही किसी खास मौके ते अल्लाह की कसम है कोई ऐसा खास मौका होए जिथे अल्लाह के पैगंबर ने बरकत की दुआ का असूल ना दसिया होए। महसूस इस तरह ही होंगे बगैर बरकत तो मुसलमान की रूहानी जिंदगी नामुकम्मल है, मुसलमान रूहानी तौर पर जिंदा रह ही नहीं सकता। यकीनी बात है वे जिहड़ा शख्स बरकतों को महरूम है वो एक चलती फिरती लाश है। और फिर इंशाला मैं तुसा हजरात के सामने चंद गुजारशात भी करांगा इस मौजू के तहत। कुरान पाक की जिहड़ी आयत करीमा में पढ़ीए सूरह आराफ अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमान देने वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्जी वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक फरमांदे ने बस्तियां वाले अगर ईमान ले आंदे, अल्लाह पाक ने बस्तियां वालों का जिक्र किया है, अगर बस्तियां वाले अगर शहरां ते पिंडां वाले लोग ईमान ले आंदे और अल्लाह दी नाफरमानी तो बच जांदे ते अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उन्हां वास्ते जमीन ते आसमान दे बरकतां दे दरवाजे खोल देने सन। जमीन ते आसमान दे दरवाजे बरकतां वाले उन्हां वास्ते खोल दिते जांदे, लेकिन वलाकिन कज़्ज़बू फ़ाख़ज़नाहुम बिमा कानू
यकसबून। इसके बावजूद अल्लाह पाक फरमाते ने उन्होंने मैनु छुटलाया ते मेरी नाफरमानी की, उन्होंने बद अमाल के बदले फिर मेरे अजाबा ने उन्होंने पकड़ लिया, मेरे वहशतनाक अजाबा ने उन्होंने पकड़ लिया। मेरे सोने हो, मैं तुहाडे सामने अल्लाह की तौफीक नाल अज एहो ही गुजारिश ते रिक्वेस्ट करनी है, अल्लाह कोलों बरकत हासिल करन वास्ते सानू तुहानू की करना चाहीदा है, क्योंकि नौसत वाले अमाल के जरिए बंदा रब के करीब नहीं हुंदा। वेखो ना चंद मौके ते अहम दुआवां दा मैं तुहाडे सामने जिक्र करन लगा ते तुहानू सानू बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान बंदे वास्ते बरकत दी किन्नी जरूरत ते किन्नी कदरों मंजिल ते। आ वेखो ना बंदा मुसलमान है ते ओह इक दूसरे नाल सलाम लैंदा है ते सलाम लैके भी बंदा एक दूसरे नाल मेल मिलाप करके भी अल्लाह को बरकत हासिल कर लेंदा है। एक मुसलमान है, दूसरा मुसलमान उन्हें मिलता है, असी मिलने हैं दूसरे नूं, ते एक दूसरे दे नाल मिल के सलामती वास्ते दुआ भी हुंदी है, बरकत दी भी दुआ की जाती है। बंदा जे इस्लाम दे मुताबक पूरा सलाम लवे ना ते बंदा की कहता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। बंदा कहता या अल्लाह मैं दुआ करना आ जो मेनु मिल रहा ना अल्लाह दे उत्ते सलामती हो वे। अल्लाह मैं दुआ करना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ओ मिलन वाले आ तेरे ते सलामती होवे, रहमतुल्लाह तेरे उत्ते अल्लाह दी रहमत होवे, व बरकातुहु ओ मेरे आ वीरा तू मेनू मिले आ तेरे उत्ते अल्लाह दीयां बरकतां भी नाजुल होण। पता लगदा है मुसलमान मुसलमान नू मिलदा है ते फिर भी बरकत ही हासिल हुंदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगला मौका मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बंदा दरूद पढ़ता है, नमाज दे अंदर दरूद पढ़ता है ते दरूद इब्राहिमी अंदर अल्लाह दे नबी वास्ते बरकत की दुआ करता है। नबी पाक फरमाते ने तुसी मेरे वास्ते जिहड़ी भी दरूद पाक के जुमले पढ़ के दुआ मंगते हो ना, जिहड़े मैं तुहानू तरीके दे मुताबिक जुमले दसे ने ते की कहने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा इन्नका हमीदु मजीद। तसी दुआ करने अल्लाह सलामती होवे साडे नबी ते साडे नबी दी आल ते। अल्लाह जिवें तू सलामती नाजल कीती नबी इब्राहीम ते नबा इब्राहीम दी आल औलाद ते, अगे कहने अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आल मुहम्मदिन। अल्लाह बरकत नाजल कर, अल्लाह साडे नबी मुहम्मद दे उत्ते, अल्लाह साडे नबी मुहम्मद दी आल दे उत्ते भी बरकत नाजल कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारक ताला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाह सोणिया जिवें तू बरकतां नाजल कीतियां इब्राहीम नबी ते इब्राहीम नबी दी आल औलाद ते, इन्नका हमीदु मजीद तू बड़ा बुजुर्गी वाला है। पता लगा बंदा मेरे सोने दरूद दे अंदर भी अपने नबी वास्ते सलामती ते बरकत दी दुआ करदा है ते मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा किसे मुसलमान वास्ते किसे अपने दूसरे वास्ते दुआ मंगदा है अल्लाह पाक ओदे हक विच भी ओ दुआ कबूल कर देंदा है। असी नबी पाक वास्ते बरकत की दुआ की, अल्लाह ने साडे उत्ते भी बरकत नाजल करती। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते सलामती की दुआ की, नबी पाक नूं सलामती दी ते जरूरत नहीं, आप ते गुनाहां तों पाक ने ते इहदा मतलब ए वे कि असी नबी पाक दी बुलंदी ए दराजात की दुआ करने। दुआ करो अल्लाह पाक सानू
ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਰਕਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਸਲਾਮ ਅਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਬੋਲੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤਹ। ਆ ਗਿਓ ਵੈ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚੱਜ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸੱਲਾਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ। ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਏ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਲਿਖੀ ਏ, ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੁਆ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਦੇ ਸੁਮਾ ਬਾਰਿਕ ਲੀ ਫੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਦੁਆ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਾਰਿਕ ਲੀ ਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਦੁਆਏ ਵਿਤਰ, ਦੁਆਏ ਵਿਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਏ ਵਿਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਫੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਦਨੀ ਫੀ ਮਨ ਹਦਈ ਵਾਫਨੀ ਫੀ ਮਨ ਵਾਤਾਵੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਵਬਾਰਿਕ ਲੀ ਫੀ ਮਾ ਆਤੈ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਵਬਾਰਿਕ ਲੀ ਫੀ ਮਾ ਆਤੈ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਵਬਾਰਿਕ ਲੀ ਫੀ ਮਾ ਆਤੈਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਹਾਂਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ
पैगंबर फरमाते ने तुहाडे वीर दा नका है, तुहाडी भैन दा नका है, तुहाडे रिश्तेदार दा नका है, तुहाडे अजीजो अकारब दा नका है, तुहाडे किसे यार बेली दे नका दा मौका है, ते उहनां वास्ते दुआ की करनी है। बारक अल्लाह लका व बारक अलैका व जमा बैनकुम फी खैरिन। ओ वीरो तुहाडे अल्लाह पाक इस नका अंदर बरकत दा नज़ूल फरमा दे, तुहाडे मिलाप दे अंदर बरकत फरमा दे। अल्लाह तुहानू दोनां नू अल्लाह खैर दे उत्ते इकट्ठा रखे, अल्लाह तुहानू दोनां नू बरकतां दे नाल इकट्ठा रखे। उधर रब दा कुरान कहिंदा फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फअखज़नाहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह पाक फरमांदे ने अगर बस्तियां वाले मेरी गल मनदे, अगर लोग शहरां वाले मेरे उत्ते ईमान ले आंदे, मेरी ना फरमानी तू बच जांदे, फिर मैं ना तू इन्ना वास्ते आसमाना तू बरकतां नाज़िल करदा। बरकात मिन समाई वल अर्ज़, मैं आसमाना तू इन्ना ते रहमतां ते बरकतां नाज़िल करदा। लेकिन इन्हां बस्तियां वालियां ने मेरी गल मन्नी कोई नहीं, मेरे मामलात दे मेरी गल मन्नण दे अंदर अपनिया मामलात अंदर मर्जियां कीतियां ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने फवला किन कज़्ज़ब इन्हां मैनूं चुठलाया, ते मैं की कीता फअखज़नाहुम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह पाक फरमांदे ने उन्हां दियां बदमालियां दे बदले फिर मेरे जनाब मेरी पकड़ इन्हां ते आ गई है। अल्लाह ने पहलियां कौमां दा जिक्र कीता है, अल्लाह ने पहलियां रब दे नबियां दी ना फरमान कौमां दा जिक्र कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जिहड़े वी ना फरमानी करदे ने ओह बरकत तों खाली हो जांदे ने, ओह वेड़े बरकत तों खाली हो जांदे ने, ओह रिश्ते बरकत तों खाली हो जांदे ने, ओह तल्लक रिश्ते जनाब। हुण खाणा खाणा अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया खुराक वी अल्लाह दी नेमत है, ओह सुणियो खाणा वी रब दी नेमत है। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने जदों खाणा पीणा तुहानूं मुनासिब लगे ते फिर वी तुसीं दुआ करो, मेरे मैनू याद करो। ते दुआ की करनी है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीए वरज़ुकना खैरम मिनहु। अल्लाह पाक नूं दुआ करनी अल्लाह साढ़े वास्ते तू इस रिजक अंदर बरकत पा दे, जड़ा तू रिजक सानू अता कीता है इस खाने अंदर बरकत दाखिल कर दे, जड़ा खाना तू सानू अता कीता है। ते मेरे नबी फरमांदे ने खाणियां विचों दूध सारिया नालों वड्डी नेमत है, दूध पीना वड्डी नेमत है। नहीं पा मेरा आज ते गया ना जिब्राइल ने दो प्याले पेश किते, एक दे अंदर दूध है दूसरे अंदर शराब है। ते मेरे पैगंबर नु जिब्राइल वेख रहा है कि आमिना दलाल शराब नु हाथ लांदा है या दूध नु हाथ बांदा है। ते मेरे पैगंबर ने शराब दा प्याला परां कर दिता है, ते दूध दा प्याला पकड़ लिया है। ते जिब्रील कहिंदा सोणिया तुहाडे वास्ते खुशखबरी है, तुसी दूध नू पसंद कीता, दूध फितरत है। अगर तुसी शराब दा प्याला पकड़ दे ते जमी तौर ते तुहाडी उम्मत गुमराह हो जांदी, जमी तौर ते तुहाडी उम्मत ने गुमराह होना सी सुनिया, मगर तुसी दूध नू पसंद कीता ते हुण दूध वी साडे मोमना खालस रहण दिता है। अगे ते दूध विच पानी पांदे सन, पानी च दूध पांदे ने है वड्डे मुसलमान वेखो ते सही। अगे पानी दूध विच पानी दूध च पानी पांदे सन, ते हुण जमाना क्योंकि पक्के मोमना दा आ गया है, हुण दूध दे विच पानी पांदे ने। ते हुण पता की अल्लाह खैर करे साडे दोधियां नूं वी अल्लाह हदायत ही अता फरमाए। दोधी सारे इंजदे नहीं हुंदे, मैं किसे दा मुखालफ नहीं, बड़े बड़े अल्लाह दे वली इत्थे मौजूद ने, जिहड़ी गलती होवे बयान करनी चाहीदी है। जनाब ब्रेक लाण के मोटरसाइकिल दी नलके नाल ब्रेक लाण के जनाब साडे ते फरूकाबाद दीआं नहरां ते दोधियां दीआं लैणां लगियां हुंदियां ने,
उन्हें अद्धा किलो दुध लिया, हाफिज उमर सिद्दीक, हाफिज अपना अबू बकर सिद्दीक साहब दुध लिया, दूध लिया ते विचों ना डड्डी निकल आई, वह किधरे पानी पाया सी ना नहर दा, पहला वह परेशान होया, उन्हें क्या दोधी नू दोधी साहब है कि मामला है, खुदा दे बंदिया को खौर कर, को अल्लाह दा खौफ कर, मैं दूध ले आया अद्धा किलो ते विचों डड्डी निकल आई है, ते केंदा बंदे दे पुत्र है ले आजू अद्धा किलो डड्डा निकलदा विचों, भी ले आ तू अद्धा किलो ते विचों डड्डी निकलनी, यानी कि जिवें दे खाण वाले उवें दे कौन आ सावी सानू हलाल जिहड़ा ना हलाल वह सानू पचदा ही नहीं, सानू देसी घ्यो नहीं पचदा, सानू जनाब डालटा ही पचदा, क्योंकि असि लगे हराम ते आ ना, जदों बंदा हराम खांदा रहे ते हराम रस जांदा, जदों बंदा डालटे ते लगा रहे ते फिर देसी पचदा। अपने आप नूं सानू चाहीदा है एक नंबर चीजा खाइए ते एक नंबर दीन दे उत्ते एक नंबर बन के रहिए, ते जदों एक नंबर दीन दे अंदर रह के दो नंबर रहिंदे आं ते बरकत आंदी कदी नहीं आएगी। अगे तवज्जो फरमाओ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावत करे ना ते दावत वाले नूं दुआ दे दियो, मेरे पैगंबर ने की सलाह तो सलाम किसे दा हाँ खाना खान जांदे ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां वास्ते दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, अल्लाह सोहणिया जिन्हां ने इन्हां घर वालियां ने सानू खाना खवाया है अल्लाह इन्हां दे इस खाने च बरकत टाल दे, ते अल्लाह सोहणिया इन्हां दे गुनाह भी माफ कर दे, इन्हां उत्ते रहम कर दे, इहदा दूसरे नूं दुआ देण दा फायदा होएगा। फिर मैं हदीस पढ़ा, आका फरमांदे ने जो तुहाडियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां ते अपने वीरां वास्ते दुआवां करिया करो, अपने रिश्तेदारां वास्ते दुआवां करिया करो, दुआ ना कबूल होण दा इक आवी जनाब ए वी बड़ा वड्डा मसला है। आप फरमांदे ने तुसीं अपने वास्ते कल्ले अपने अपने तन वास्ते दुआ करी जांदे हो तां ते तुहाडियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां, तुसीं दूसरियां वास्ते दुआवां करो तुहाडियां अपणियां दुआवां अपने हक दे अंदर कबूल होण लग जाणगियां, तुसीं उहदे वास्ते दुआ करो या अल्लाह इहनूं रहम कर, इहनूं बरकत नाजल कर दे, अल्लाह इहदे खाने च बरकत पा दे, अल्लाह इहदे खानदान रहम कर, अल्लाह तुहाडे उत्ते रहम कर देवेगा, अल्लाह तुहाडे खानदान उत्ते बरकत नाजल कर देवेगा। तुसीं दूजे वास्ते दुआ कीती है ये तुहाडी दुआ कबूल शुदा अपने वास्ते वे दुआ है वे कि अल्लाह पाक दूजे नूं दुआ देण दी भी तौफीक अता फरमाए। ये भी बंदा जिहड़ा ना रियाकारी तो भी बच जाता है, गुरूर ते तकबर तो भी बच जाता है। हुण अगे तो जो फरमाइए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी हजरत अनस नूं, आपने फरमाया अनस प्यार आ अल्लाह पाक, अनस ने ना खाश की अल्लाह दे रसूल दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बाद रवायत है, उम्मे सुलैम मेरे पैगंबर कोल आई है ते उम्मे सुलैम अनस दी मां है, ते अनस दी मां ने आके मेरे पैगंबर दे सामने अनस नूं जनाब पेश कर दिता है, ते मेरे पैगंबर नूं अनस मां अपने बेटे दे वास्ते दुआ दी रिक्वेस्ट कर दी है, ते खास दार कर दी अल्लाह दे रसूल दे वास्ते दुआ कर दियो, ते मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ अल्लाह इस बच्चे दे माल ते औलाद दे अंदर बरकत फरमा दे, ते अनस बयान करदे ने पैगंबर दी दुआ दे बदले अल्लाह पाक दे नबी ने मेरे वास्ते खैर और बरकत दी दुआ कीती है, अल्लाह अनस दे माल विच ते बच्चियां विच औलाद विच बरकत अता फरमा दे। अनस फरमांदे ने अल्लाह पाक ने फिर नबी दी ऐसी दुआ कबूल कीती है कि अनस दी उम्र 125 साल हुई है, मेरे पैगंबर दे अनस दी उम्र तकरीबन 100 साल तो ज्यादा है, ते माल अल्लाह ने इन्ना ता कीता है हजरत अनस दी वफात दे वक्त औलाद समेत पोतियां दोतियां समेत जनाबे अनस दियां नवासियां ते पोतियां ते नवासियां समेत हजरत अनस दी औलाद जदों हजरत अनस दुनिया तो गए ने 125 बच्चे सन, पोतरियां पोतरे दोतरियां दोतरे 125
उम्र 100 साल तो उत्ते पता लगा कोई नेक बंदा दुआ दे तो ओदी भी बड़ी बरकत हुंदी है। नबी पाक ने फरमाया अनस तेरे माल ही बरकत होवे, पोतरियां दोतरे पोतरे जनाब 125 अल्लाह ने अता कीते सुभान अल्लाह। ते साडे घर यकूब साहब दे भी 34-35 बाल ने माशाल्लाह, अल्लाह दे फजल नाल 34-35 बच्चे घर यकूब साहब दे फैसलाबाद दी अल्लाह पाक जिंदगी दराज फरमाए उन्हां दी। ते मेरे सोने अगे तवज्जो फरमाइए, मौजूदा हालात की बेबरकती की वजह मैं तुहाडे सामने रखना चाहना वा। मौजूदा हालात की बेबरकती की खास वजह है, असीं बरकत खास लफ्ज इस्तेमाल करने आ, अल्लाह बरकत दे दे, एवें रुआजी जनाब मुंह दे अंदरों कढ देने आ। हालांकि बरकत दा लफ्ज इहदे मानी ते मफहूम असीं समझे ही कोई नहीं मुसलमानां ने। जे बरकत हासिल करनी असां अपनी जिंदगी अंदर ते मसनून दुआवां सुबह शाम पढ़नियां पैणगियां। जिहड़ा बंदा सुबह शाम दे ज़िकार नहीं करदा उहनूं बरकत नहीं मिलदी। नौसत जैसी जिंदगी गुजारदा जिहड़ा नमाज भी नहीं पढ़दा, जिहड़ा नमाज ना पढ़े ते दुआ करे या अल्लाह मैनूं शफा दे दे, या अल्लाह मेरे घर बरकतां नाजिल कर दे, इंज बरकत नहीं नाजिल हुंदी। पहला 5 नमाजां दा पाबंद बन ते फिर अल्लाह कोल दुआ कर, जहर खा के ते आपां कहने या अल्लाह शफा दे दे, जहर खा के शफा नहीं मिली, जहर खा के मौत आउंदी है। ते साडे काम उंजदे ने कि असीं उह काम बेबरकतियां वाले कर लैने आ। साढ़े मुसलमान शराब पी लैणगे, बदकारियां कर लैणगे, जनाह कर लैणगे, ते फिर कहणगे या अल्लाह बगैर तौबा तो इन बरकत नाजिल हुंदी ना। अल्लाह पाक कोल दुआ है, अल्लाह पाक अपने पैगंबर दे तरीके दे मुताबक चलण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह पाक ने बरकत दी दुआ सिखाई है। अल्लाह पाक ने फिर जदों अजाब आया ना नूह कौम ते, जे जनाबे नूह अलैहि सलातु सलाम ते उहनां दे सहाबा नूं अल्लाह पाक ने बचा वास्ते नू नबी नू कश्ती तैयार करन दा हुक्म दिता है। कश्ती तैयार हो गई है ते नू अलैहि सलाम नू रब ने कहा मेरे नू इंज कर, हुण मेरे कोल दुआ कर। वकुर रब्बे अनज़िलनी सुभान अल्लाह, वकुर रब्बे अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंता खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाह अल्लाह सुनिया तू सानू जालम लोगों तो बचाया है। अल्लाह सुनिया हजरत नूह अलैहि सलाम रब नूं कहिंदे ने अल्लाह सुनिया सानू उतार दे बरकत वाली जगह ते, साडा उतारना बरकत वाला बना दे। अल्लाह जिथे कश्ती रुके वह भी बरकत वाली जगह बना दे। अल्लाह सुनिया जिथे कश्ती जाए वह भी बरकत वाली जगह बना दे। अल्लाह साडी कश्ती नूं बाप बरकत बना दे। अल्लाह सुनिया तू बेहतर उतारन वाला है। ते ए ते नूह पैगंबर सन, आओ तुहानूं इक होर नबी ते लै चलना दरवाजे ते। सैयदना इब्राहिम दे उत्ते बरकतां दी रब ने इंतहा कीती है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे सोणिया तरा इब्राहिम दीयां बरकतां दा जिक्र कर। अल्लाह पाक फरमांदे ने सलामुन अला इब्राहिम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहू मिन इबादिनस्नल मुमिनीन वबशरनाहु बिसहाका नबियन मिनस्सालिहीन वबारकना अलैहि वअला इसहाका वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। अल्लाह फरमांदे ने इब्राहिम तेरे ते सलामतियां होण, तू असी नेकी करन वालियां नूं इंज दा बदला अता करने आ। बिला शुबा साडा मोमन बंदियां विचों इब्राहिम सी, मेरा बरकतीदा पैगंबर सी। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर इब्राहिम दे उत्ते इन्नियां समैशां आईयां, किधरे जनाब अग विच सुटिया गया, किधरे बाप दे ताने इब्राहिम नबी नूं बर्दाश्त करने पै। ते अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे नबी दे उम्मतियो, मेरे इब्राहिम नबी साबत कदम रहे, उन्हां भुलाया नहीं अपने रब नूं। अल्लाह पाक फरमांदे ने वबशर नाउ बिसहाक, फिर मैं बरकत इंज दी नाजल कीती है, मैं अपने इब्राहिम नूं इसहाक दी खुशखबरी दीती है। नबीयम मिनस सालिहीन, जिहड़ा नबी है साले लोगां विचों साडा। वबारकना
पाक फरमांदे ने अली है मैं अपने इब्राहिम नु यहाक भी दिता है ते बरकत भी ओदे उत्ते नाजल कर दी है वाला इसहाक व मिन ज़ुर्रियत हिमा। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं इब्राहिम नु इसहाक दिता है फिर कई ते इब्राहिम दी नस्ल विचों बिगड़ गए सन ते कई अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं अपने इब्राहिम नबी दे जरिए कौम दे मुबल्लग ते जनाब दाई दीन दे बनाए। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा इब्राहिम दुआ मंग रहा है वाइज यरफाउ इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइल रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहिम नबी ने काबा बनाया काबा जिथे आप जुमरा करने अल्लाह पाक को दुआ अल्लाह नसीब करे बार बार जाना। हाय हाय दिन कोलू वध लुक रात है मक्के दी दिन कोलू वध लुक रात है मक्के दी कदी जाके वेखो कदी जाके वेखो क्या बात है मक्के दी दिन कोलू वध लुक रात है मक्के दी। ते इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ कर रहे ने असले च ना मेरा गला इन्ना कुछ डिस्टर्ब है दिन रात पूरे मुल्क च बोल बोल के दीन दी तबलीग कर करके अल्लाह रिहाकारी तू महफूज रखे ते मैं अल्लाह दा फजल समझना कि मैं खुतबे विच चंद गल्लां कर रहा ते अल्लाह को दुआ करो अल्लाह उलमा दे गले भी ठीक कर दे। ये तुहानू पता है मौसम ही है जिहदा हर एक दा गला खराब होया ते बहरहाल अल्लाह पाक दे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ कीती इस्माइल ज़बीहुल्लाह ते इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने ते आज मुकामे इब्राहिम ते दो रकतां पढ़ियां जांदियां ने ते दो रकतां मेरे पैगंबर लिखे सलाम दे हुक्म दे मुताबक पढ़ियां जांदियां ने ते बे दो रकतां वाली जगह ओ पत्थर वे जिस पत्थर दे उत्ते खड़िया होके इब्राहिम रब दा नबी बैतुल्ला बणांदा रिहा बेटा जनाब मजदूरी करदा रिहा रब दा पैगंबर जनाब ममार बन के मिस्त्री बन के ते रब दे घर दियां दीवारां ठांदे पैने ते अल्लाह पाक ने उन्हां दा तज़किरा इंज कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने यरफाउ इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैत व इस्माइल लाहौर वालेओ मैं सदके जावा इधर इब्राहिम नबी इस्माइल नबी बाप बेटा दीवारां बैतुल्लाह दियां उठा रहे ने ते उधर रब ने कैमरा फिट कीता है उधर मेरा रब वेंदा पिया पुत्रां पुत्र नूं ते पिओ नूं बाप नूं ते बेटे नूं मेरा इब्राहिम तेरा इस्माइल कितना चंगा है। अल्लाह पाक फरमाते ने हुण फिर होया की है सारिया ने दुआ जनाब उत्थे अल्लाह दी तौफीक नाल दुआवां कर दियां ने जदों भी जाना है मेरे वास्ते भी ते अपने वास्ते भी अल्लाह हज उमरा नसीब फरमाए। ये ओ पुरानी दास्तान है बैतुल्लाह दी फिर बाद च कहिंदे ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाह साडा अमल कबूल फरमा ते इब्राहिम ज़बीहुल्लाह ते खलीलुल्लाह रल के बनाया बैतुल्लाह। अल्लाह को दुआ की थी अल्लाह ने अता किया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक फरमांदे ने इब्राहिम ने मेरे को दुआ की थी है मैं बरकत दे तौर ते इब्राहिम नू 85 साल दी उम्र विच बुढ़िया होया। अल्लाह पाक फरमांदे ने बुढ़िया होया बुजुर्गी दे अंदर जदों बीवी इब्राहिम दी ज़ईफ हो गई है जदों इब्राहिम अलैहि सलाम खुद ज़ईफ हो गए ने अल्लाह पाक फरमांदे ने ना तुमां नू बुजुर्गां नू बाबियां नू मैं दो पुत्र अता कर दिते ने एक दा नां इस्माइल है दूजे दा नां इसहाक है ते अल्लाह पाक ने जनाबे सैयद ना इस्माइल नू छुरी थलू भी बचाया है। क्यों बचाया? अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं सबजा तो बचाया कि मैं इस्माइल दी लड़ी विचों अपना नबी मुहम्मद पैदा करना सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण अगे गौर करो मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण बरकत रब वालों दी है लेकिन बरकत दे हसूल वास्ते कोई भी सबब कोई भी अमल कोई भी शख्स बरकत का सबब बन सकता है? मैं बरकत
अल्लाह की तौफीक दे नाल तुसा हजरात दे सामने अल्लाह की रहमत दे नाल इसका जिक्र करांगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बरका तो मिन अल्लाह बरकत सारी अल्लाह वल्लों में लेकिन कोई बंदा बरकत असूल दा जनाब नमींदा बन जांदा है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम सफर च ने ते पानी खत्म हो गया सहाबा परेशान ने वुजू वास्ते पानी नहीं जनाब गुसल वास्ते पानी नहीं ते मेरे महबूब पैगंबर ने की सलातो सलाम दे साहबा ने थोड़ा जिहा पानी लिया है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपना हाथ मुबारक पानी विच दाखल किया है ते अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दियां पंजा उंगलां विचों पंज नहरां पानी दियां चला दित्तियां ने ते मेरे नबी दे सहाबा ने जदों वेखिया साढ़े नबी दे जनाब हत्थां दियां पंज उंगलां विचों पानी दियां नहरां चल गईयां ते मेरे नबी ने फौरन अकीदा भी समझाया किते ए सहाबा ना कहने के सारी बरकत नबी पाक दी है ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हैया हैया अला तहूरे मुबारक मुबारक वल बरकत मिन अल्लाह ए पानी मुबारक ते वल जल्दी आओ क्योंकि पानी सानू साडे रब ने दिता है पानी रब ने दिता है ते बरकत भी अल्लाह वल्लू में मेरे नबी दा मौजजा जाहिर होया कुदरत अल्लाह दी ते पानी मेरे पैगंबर दिया उंगलियां चो निकलिया ते मौजजा मेरे मुहम्मद दा है सुभान अल्लाह। आयल हदीसा तू सुन सजना जे गल्ला सुननिया मेरे पीर दिया जिंदी उम्र दी कसम खुदा खावे जिंदिया उंगलियां चन नू चीर दिया वजा आसा ताजब किस गल दा पत्थरां चो पानी नित चलदा ए उंगला मेरे पीर दिया सुभान अल्लाह। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण बरकत मेरे सोणियो बरकत दे उसूल वास्ते पंज अमल ने पंज मैं पहला अमल बयान करा मेरे पैगंबर फरमांदे ने बरकत लैणी होवे ते तकवे अंदर हुसन पैदा करो बरकत लैणी होवे ते परहेजगारी अंदर हुसन पैदा करो बरकत दे उसूल वास्ते पहला अमल करना है तकवा परहेजगारी परहेजगारी अंदर बढ़ जाना है जे बरकत लैणी जे परहेजगार बन जाओ ते किसी शक विच भी नहीं पैना मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवे दे अंदर ऐसा मेरे पैगंबर दा हुसन सी कि मेरे पैगंबर शक दियां गल्लां तों भी बच जांदे सन। एक दफा ना नबी पाक जा रहे ने हजरत हसन मेरे पैगंबर दा नवासा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा मेरे महबूब पैगंबर दे नाल जा रहा है ते हजरत हसन ने ना इंज करके ना राह जांदियां खजूर मुंह च पा ली खजूर जड़ी खाण लग गए ते मेरे पैगंबर ने सलाम ने वेखिया कि मेरे नवासे ने खजूर मुंह दे अंदर दाखिल कर ली है हले चबाण ही लगे ने मेरे पैगंबर दे नवासे छोटी जी उम्र हसन दी जन्नत दा शहजादा मेरे नबी ने फौरन अपने नवासे दे मुंह अंदर उंगली दाखिल करके खजूर नूं बाहर कढ फेंकिया नाल फरमाया मेरे बच्चे अहले मुहम्मद दे उते सदका हराम है ते मैं खजूर इस वजह तो कढ़ दी है मैनू खदशा है कि खजूर किधरे सदके दी ना होए किधे खजूर सदके दी कढ़ना किधरे हराम माल खाना हड़प कीती जाना आण दिओ मेरे पैगंबर ने ते शक दी बिना ते भी तकवे नूं इख्तियार कीता है ते साडा तकवा इंज दा है हराम दे पैसे मुसलमान खाई जांदे ने हलाल दे ने तां कोई तहकीक नहीं बाप नूं पता नहीं बेटा पैसे कितों लैके आ रहा है किंज कमा रहा है किंज पैसे आ रहे ने यह नहीं कि जहन्नम की अग पेट अंदर भरी जा रही है यह ना हो कि किधरे मेरा बेटा हराम का माल खा रहा है ना सुनो तकवा इन्ना कमजोर हो गया है कि साढ़े तकवे का हुसन रहा ही कोई नहीं वेख लो अदालतां अंदर रिश्वत चल दियां पईयां ने देख लो जज रिश्वत तो बगैर फैसला नहीं करता वकील नहीं रिश्वत तो बगैर चलता पटवारी रिश्वत तो बगैर नहीं चलता पटवारी रुपया तो बगैर चलता नहीं जज रुपया तो बगैर चलता नहीं वकील रुपया तो बगैर चलते नहीं जनाब किस शोभे च चले जाओ उस शोभे का तुहानूं इहो ही हाल है फिर तकवे का हुसन कितों नजर आना है ये तो कालख ही कालख नजर आती है ना ते मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा बंदा
तकवा इख्तियार करता है। अल्लाह पाक तकवे की बरकत नाल अल्लाह उस बंदे नु माफ भी कर देता है, मुबारक अल्लाह उहदे बरकतां भी नाज़िल कर देता है। ते जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम ने इसे वास्ते कहा सी, इन्नहु मैयत तक व यस्बिर फ इन अल्लाह ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन। बिला शुबा शान एवें सबर करने वाले अल्लाह तकवा इख्तियार करने वाले नेक काम ते नेक अमल करने वाले अल्लाह जाया नहीं करता। पता लगा जिहड़ा बंदा तकवे वाला रब नूं जाया, जिहड़ा बंदा रिश्वत नहीं लैंदा उहनूं रब जाया। हुण मुसीबत है वे बंदा कवे कि मौलवी जी करिए कि रिश्वत देनी पैंदी है, रिश्वत तो बगैर काम नहीं हुंदा, ते तू काम ही छड्ड दे। जिहड़ा रिश्वत तो बगैर काम नहीं हुंदा उह काम क्यों करना है? मुलाजमत नहीं मिलती ना कर ऐसी मुलाजमत जिते रिश्वत देनी पवे, को अपना कारोबार कर, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे कारोबार च बरकत पाएगा। ऐदा ना ही तकवे ऐदा ना परहेजगारी है। दूसरा अमल, पहला अमल मैं दसिया तकवे च हुसन पैदा करो, अल्लाह पाके दे जरिए बरकत नाजल कर देता बंदे ते। तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। दूसरा बरकत के हसूल वास्ते अमल, ताल्लुक बिल कुरान, कुरान नाल ताल्लुक बनाओ मेरे भाईओ, कुरान नाल रिश्तेदारी बनाओ, कुरान नाल दोस्ती बनाओ, कुरान नाल प्यार पाओ। मेरे नबी ने फिर कुरान पाक अंदर रब ने फरमाया नहीं, हाजा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन। अल्लाह पाक दे पैगंबर ते कुरान आए, फरमाया कुरान मुबारक है, ते अल्लाह दे पैगंबर लिखे सलाह। फिर रब ने कहा हाजा ज़िक्र मुबारक, इस मुबारक जिक्र ला महाल, जड़ा शख्स इस मुबारक जिक्र दे नाल जिन्ना करीब हो जाता है रब दे कुरान दे करीब, अल्लाह उन्नियां बरकतां नाजिल कर देंदा है। अल्लाह दे महबूब लिखे तल के कुरान नूं चेक करन वास्ते चार गल्लां ते गौर करो। पहली गल, कुरान पाक दी तिलावत चेक करो। असी किन्नी कु करने आ रोजाना, चेक करो कि असी रोजाना कुरान दी तिलावत किन्नी करने आ। दे कुरान दे जरिए असी अल्लाह दे नाल अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत कर लईए। रब कहिंदा कुरान नाल ताल्लुक मजबूत करोगे ते मैं अपनियां रहमतां ते बरकतां दे दरवाजे खोल दांगा। ते नबी पाक ने फरमाया सूरत बकरा पढ़ो, सूरत बकरा, सूरह बकरा। क्यों? सूरह बकरा नाल इजदी मुहब्बत होनी चाहिए है। आपने फरमाया सूरत बकरा, बकरा दा पढ़ना बरकत है, ते सूरत बकरा दी तिलावत छड़ना नौसत ते हसरत है। ते साडे घरां दुआ करो अल्लाह सूरत बकरा दी तिलावत अल्लाह जारी फरमा दे। साडे घरां दा हाल है वे, साडे घरां च फिल्मां दी ते आवाज आउंदी है, ड्रामिआं दी ते आउंदी है, कंजरखानिआं दी ते आउंदी है, सारे घरां च नहीं। यकीन जानो 24 घंटे कई ने टाइम ते लाया टीवी नूं, है भी आपे बंद दफा हो जाएगा, लेकिन मेरे सोने घरों तिलावत की आवाज आए। मेरे पैगंबर दी हदीस नोट करके लै जाओ, फरमाया सूरत बकरा छड़ना नौसत है, ते सूरत बकरा नूं पढ़ना बायस है बरकत है। शैतान नहीं आता घर, जादू नहीं आता घर, घर बीमारियां नहीं आदियां, और जेडे घर सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और दूसरा मामला, दूसरी गल चेक करो कि कुराने पाक नूं असीं किन्ना जुबानी याद किया है। चेक करो ना जरा थोड़ा कुछ जिंदगी कुरान नूं किन्ना कुछ जुबानी याद किया है। तीसरे नंबर ते कुरान नूं समझ के पढ़ना में यह भी बरकत है, कुरान पाक नूं समझ के पढ़ना। चौथे नंबर ते कुरान ते असीं रोजाना अमल किन्ना किया है, ये चार पहलू ने बरकत के हसूल वास्ते। मुसलमान कुरान दोस्त बन जाए तो बरकत ही नाजिल होंदियां ने। मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के हसूल वास्ते तीसरा अमल बयान किया है। आपने फरमाया अल बरका तुम्मा अकाबिरकुम, तुहाडे वड्डियां नाल तुहाडी बरकत है। आप फरमाते ने तुहाडे बड़ियां नाल तुहाडी बरकत है, तुहाडी अम्मी नाल तुहाडी बरकत है, तुहाडे अप्पू नाल तुहाडी बरकत है, तुहाडे जनाब चाचे नाल तुहाडी बरकत है। बरकत मिलदी है बड़ियां नाल। वेख लो जिन्ना घरां दे जनाब घर वेले हो गए, जिन्ना घरां विचों बड़े उठ गए ने, जिन्ना घरां विचों बड़े मां बाप कबरां दे अंदर चले गए, चाचे ताए मासियां मामियां बड़े कबरां अंदर टुर गए,
ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭਕਤ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਕਮਾਂਦਾ ਆਪਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਦੇ ਸਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਏ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤੋਂ ਬਰਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਮਸਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਇਬਨ ਖੱਬਾਨ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਹਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਂ ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵੇੜਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ, ਉਸ ਵੇੜੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਔਰ ਲਾਹੌਰੀਓ ਤਕਬੀਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਚ ਬਰਕਤ ਏ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅੰਮਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਜਾਦੂਗਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਾਜ਼ੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਅਸਮਾਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਸੱਲ ਸੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਬਰਕਾ ਤੋ ਮਾ ਅਕਾਬਿਰਕੁਮ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਏ। ਮਾਈ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਟੁਰੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਈ ਮਗਰ ਟੁਰੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਈ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਵਜੋ ਤਵਜੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਪੀ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾ, ਨਾ ਅੰਮਾ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈਏ, ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਾਈ ਫੇਰਾਂ ਦੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਿਆ,
पुत्रा ओदे तो बची, अम्मा जी किदे तू, असे उसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू, ते नबी पाक मुस्कुरा के फरमांदे ने अम्मा जी ओ ते मैं ही मुहम्मद हां, अम्मा जी ओते मैं ही मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मां कहिंदी है कुछ ना रवे तेरे बैरियां दा हलाक हो जान तेरे दुश्मन, जे तू मोहम्मद दे ते फिर कलमा पढ़ाण दी कर, अशहादु अल्ला इलाहा। माई कलमा पढ़ के मुसलमान, एक रंगीन शायर ने तर्जमा किया, माई ना नबी पाक दा चेहरा वेख के मौलाना नईम शाह साहब कलमा पढ़ गई, ते ओ नबी उस अम्मा दी तर्जमानी की एक बंदे ने, तेरिया तक के अदावां मैं मुरीद हो गई, तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरा उच्चाए शान मैं सदके जावा, तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरा उच्चाए शान मैं तेथों सदके जावा, तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरा चेहरा वेख्या ते मेरी ईद हो गई, तेरा चेहरा वेख्या ते मेरी ईद हो गई, तेरा चेहरा वेख्या ते मेरी ईद हो गई। ए नबी पाक ने फरमाया बुजुर्गों का एहतराम करो, अल्लाह दे बदले बरकत नाजुल फरमाएगा। मैं बरकत दे असूल दे तीन अमल दसे ने, ते चौथा अमल मैं रूहानी तुहानी दस देना, वक्त खत्म हो गया। चौथा अमल नबी पाक ने फरमाया खैर खाई करो, अल्लाह बरकत नाजल कर दे। किसी मुसलमान की खैर खाई करो, किसी को पैसों की जरूरत है पैसे दे दवो, किसी को माल की जरूरत है माल दे दवो, अल्लाह पाक इस बरक इस जनाब काम के बदले भी अल्लाह तुहाडे ते बरकत का नजूल फरमाएगा। और चौथे तो पंजवा अमल नबी पाक ने फरमाया किनात के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। किनात होंगे कि जो रब दिता उन्हें तो राजी है बंदा, जितना हालत अंदर अमीर है इमारत से राजी है, जे गरीब है तो अल्लाह पाक की उस दी हुई गुरबत से राजी है। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा हर हाल च मेरी किनात दी हुई तो राजी होंगे, मैं थोड़े जे पैसों बरकत लखा करोड़ों नालों बड़ी पा देना, फिर अल्लाह पाक उस बंदे नूं दुनिया च और आखरत के अंदर नवाज देंदा। अल्लाह पाक को दुआ है, खास कर तुम मेरे गले वास्ते जरूर दुआ करनी है। सिर्फ डॉक्टर आते हैं भी इन रैसट दो दो तीन दिन, तो रैसट होंगी को नहीं कभी कित कभी कित। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह ये जड़े मैं पांच अमल दसे ने बरकत हासिल करन दे, अल्लाह लैण की तौफीक अता फरमाए। और फिर याद भी होंगे और यकीनन तकवा तकवे अंदर हुसन पैदा करो, अल्लाह बरकत अता करदा है। बड़िया का एहतराम करो, अल्लाह बंदे का बरकत दे नाल बंदे की मदद करदा है। और फिर जनाब बंदा परहेजगार बन जाए, खैर खाई करने वाला बन जाए, अल्लाह दूसरे की अल्लाह बरकत नाजिल करदा है। किनात पसंद बन जाए, अल्लाह किनात पसंद जिस हाल च रब रखे उस हाल च राजी हाँ, अल्लाह पाक इंज भी बरकत नाजिल करता है। ताल्लुक बिल कुरान, कुरान नाल ताल्लुक बनाओ मेरे भाइयो, अगर बरकतां लैणियां जे एक एक हरफ अंदर अल्लाह ने कुरान दे बरकत रखी है। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।